नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एग्जिट पोल करने वालों ने आंकड़ों में गुजरात में बीजेपी की सरकार आसानी से बनवा दी है। एग्जिट पोल आज सोमवार शाम को दूसरे चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद जारी किए गए हैं। गुजरात में कांग्रेस दूसरे स्थान पर और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी को तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया में बीजेपी को 131 से 151 सीटें दी गई हैं, जो प्रचंड बहुमत का संकेत देता है। कांग्रेस को 16 से 30 सीटें मिलने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी को अलबत्ता 921 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जन की बात एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, उसने बीजेपी को 117 से 140 सीटें और कांग्रेस को 34 से 51 सीटें दी हैं। यही ऐसा एग्जिट पोल है जिसने कांग्रेस को 51 तक सीटें दी हैं, बाकी ने इससे कम रखा है। इसने आम आदमी पार्टी को 613 सीटें दी हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए 5 नवंबर को मतदान हुआ था, आज इसको लेकर एग्जिट पोल्स आ गए हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत सकती है, जबकि बीजेपी को दूसरा नंबर मिलेगा। बीजेपी को 24 से 34 और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता शायद ही खुले, अन्य को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि न्यूज़ एक्स के सर्वे में बीजेपी की सरकार दिखाई जा रही है, उसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 से 40 और कांग्रेस को 27 से 34 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अन्य को 0 सीटों की उम्मीद जताई गई है, इसमें भी कांग्रेस को बहुमत के पास दिखाया गया है। हालांकि रिपब्लिक MRQ एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिल सकती हैं, बहुमत के लिए 35 से ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 28 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है, आपको 0 से 1 सीट, अन्य और निर्दलियों को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रहने की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि लोगों को अभी भी 8 दिसंबर यानी मतगणना के दिन तक इंतजार करना चाहिए। ठाकुर ने हालांकि ये भी कहा कि भाजपा के आसानी से सरकार बनाने की संभावना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कई एग्जिट पोल बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, तो कुछ कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। हमें 8 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए। हमारे विश्लेषण के मुताबिक बीजेपी के आराम से सरकार बनने की पूरी संभावना है। दिल्ली के MCD चुनाव को लेकर किए गए एग्जिट पोल से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी MCD की सत्ता पर कब्जा जमा सकती है। इंडिया टुडे एक्सेस माय सर्वे में कहा गया है कि दिल्ली में 250 वार्डों से आपको 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 69 से 91 सीटें ही मिल सकती हैं। कांग्रेस को लगभग 10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ सर्वे है जिसमें मतदाताओं से बातचीत के बाद अनुमान लगाए गए हैं। आधिकारिक नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस सर्वे से एक बात ये साफ हो गई है कि बीजेपी ने जिस तरह से इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसको घेरा था, उसका एक भी नुस्खा कारगर नहीं हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान हुआ। आज 14 जिलों में 93 सीटों पर वोट डाले गए। आए आंकड़ों के अनुसार 5 बजे तक 58.38% मतदान हुआ है। वहीं पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था और इस दिन 89 सीटों पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में 61% मतदान हुआ था, जो कि 2017 में हुए पहले चरण के मतदान से 7% कम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 5 दिसंबर को अहमदाबाद में वोट डाला, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज और तरीके से वोट डाला उससे वो और चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने इसे मतदान वाले दिन PM मोदी का रोड शो बताया है। वो इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री एक सामान्य मतदाता होते हैं, कोई अलग से उनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन लोगों ने लाइव देखा कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर मतदान वाले दिन रोड शो कर रहा है। वो कई किलोमीटर का चक्कर काटकर मतदान स्थल पहुंचे, फिर वो पैदल ही लंबी दूरी कर वोट डालने बूथ में गए। मतदान बूथ पर उनके समर्थक नारे लगाते पाए गए। पवन खेड़ा ने कहा, ये सब लाइव हो रहा था और देश का चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा था। उन्होंने कहा कि सोमवार को मतदान वाले दिन इस घटना को लेकर चुनाव आयोग क्या कर लेगा। अगर उसने पहले से सख्ती की होती तो कोई भी इस तरह की जरूरत नहीं कर पाता। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने याद दिलाया कि पहले चरण के मतदान वाले दिन भी PM मोदी ने अपना रोड शो दोपहर बाद ही शुरू कर दिया था, जबकि मतदान खत्म होने में काफी समय था। उस रोड शो में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी, लेकिन चुनाव आयोग तब भी चुप रहा।
गुजरात में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ ही सोमवार को विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर सीट शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आमने सामने हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिस दिन से मैनपुरी में उपचुनाव शुरू हुआ है, प्रशासन न जाने किसके आदेश पर काम कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि आखिरकार प्रशासन किसके लिए वोट डलवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में जब वो डिंपल यादव का नामांकन करवाने के लिए जा रहे थे तो एक तगड़े पुलिस अफसर को उनके सामने लगाकर उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने कहा कि पुलिस को इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुबह से मैनपुरी लोकसभा सीट के तमाम विधानसभा क्षेत्रों और रामपुर विधानसभा सीट से भी शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि वोट ना पड़ पाए और इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। रामपुर में विधानसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर धांधली करने का आरोप लगाया। आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि रामपुर उपचुनाव नहीं हो रहा बल्कि धांधली की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा जुर्म किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, वोटरों को धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, बूथों पर जाने से रोका जा रहा है, गली मोहल्लों में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान कई वीडियो भी आए हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। जैन चौधरी ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें महिला के हाथ से खून बह रहा है, एक शख्स को पीटा गया है। महिला कह रही है कि इतने आईडी कार्ड ले जाने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बुजुर्गों के साथ भी मारपीट की जा रही है। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि हमने तो पहले भी कहा था सर्टिफिकेट भाजपा के कैंडिडेट को वैसे ही दे दें, पुलिस वगैरह लगाकर प्रशासन इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर कहा है कि कर्नाटक महाराष्ट्र के कुछ इलाकों, गांवों और जिलों जैसे जट और सोलापुर की मांग कर रहा है, क्या वो हमारा पंडरपुर विठोबा भी मांगेंगे। ठाकरे ने कहा कि इससे एक सवाल उठता है, क्या महाराष्ट्र में कोई सरकार है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक ठाकरे ने कहा कि 17 दिसंबर को हम मुंबई के जीजा माता उद्यान से आज़ाद मैदान तक मौजूदा राज्य सरकार और राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं महाराष्ट्र से प्यार करने वालों से राज्य का अपमान करने वालों के खिलाफ एकजुट होने की अपील करता हूँ। उद्धव ठाकरे ने गुजरात चुनाव से पहले कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जाने को लेकर और कर्नाटक के साथ चल रहे सीमा विवाद को जोड़ते हुए कहा, जिस तरह से गुजरात चुनाव से पहले कुछ बिजनेस वहां शिफ्ट कर दिए गए, तो क्या कर्नाटक चुनाव से पहले हमारे गांव कर्नाटक को दे दिए जाएंगे। बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर अपना दावा ठोककर विवाद को खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सिंह तत्काल प्रभाव से पद संभालेंगे। डीएमके पार्टी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। मालूम हो कि ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से एससी एसटी ओबीसी को बाहर किया गया है। वैसे कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलने से यह करीब 60% के करीब हो गया है, जिस पर भी लोग आपत्ति जता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में पहुंचने के बाद आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। गहलोत ने कहा, ये मेरा आरोप है कि संपादकों ने यात्रा का बहिष्कार किया है। लाखों लोग अभियान में शामिल हो रहे हैं कि आप इतना बड़ा अभियान नहीं दिखाएंगे। गहलोत ने कहा कि इसे दिखाना मीडिया का कर्तव्य है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि मीडिया को लोगों के सरोकार से कोई मतलब नहीं। गहलोत ने कहा कि अगर आप ऐसी यात्रा नहीं दिखाते हैं तो आप राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य में विफल हैं। गहलोत ने कहा कि कान खोल के सुन लो, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, तुमने इसे मजाक बनाकर रख दिया है।
गहलोत ने कहा कि अपने मालिकों से कह दो हम घबराने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए इसमें पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तय किया जाएगा। पार्टी ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक का शुभारंभ करेंगे। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सिंगापुर में सफलतापूर्वक हो गया है। लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अस्पताल से ऑपरेशन के बाद का वीडियो ट्वीट कर ये जानकारी दी। तेजस्वी ने जानकारी दी कि अब लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डोनर रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि वो भी स्वस्थ हैं। ईरान में मॉरल यानी कि नैतिक पुलिस खत्म की जाने की खबरों के बीच वहां के प्रदर्शनकारियों ने देश में 3 दिन के हड़ताल की घोषणा की। यह हड़ताल आज सोमवार से शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कल रविवार को मॉरल पुलिस को खत्म किए जाने और हिजाब कानून पर विचार करने की घोषणा की थी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट और शार्क जैसे स्थानीय समाचार पत्र के हवाले से बताया है कि अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद ईरान की सड़कों पर नैतिकता पुलिस की मौजूदगी बहुत कम हो गई है। हड़ताल का असर कुछ शहरों में दिख रहा है। छोटे शहरों में दुकानें और अन्य संस्थान बंद नजर आ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।